जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले केले के बारे में। केला जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं और हर मनुष्य को इसका सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पर कभी कभार समस्या यह आ जाती है कि लोग नहीं जानते कि उन्हें केला कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। इसलिए आज हम आपको केले के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे नया वीडियो का अपडेट आपके यहाँ पहुँचता रहे सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, केला क्यों खाना चाहिए? दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि केले में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक और फाइबर जैसे जरूरी तत्व से भरा होता है, इसलिए यह हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारी त्वचा के लिए लाभदायक होता है, हमारे दांतों को साफ करता है, हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है, यह हमारा वजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसलिए केले का सेवन हर किसी को जरूर करना चाहिए। केला कब खाना चाहिए? बात आती है दोस्तों, केला कब खाना चाहिए? आयुर्वेद में एक बात बताई गई है कि जिस फल का तासीर ठंडी होती है उसे कभी भी रात में या दोपहर में नहीं खाया जाता है। इसलिए केले को खाने का समय सबसे अच्छा सुबह का होता है, जब आपका पेट खाली होता है। नाश्ते से एक घंटे पहले आप केले का सेवन करें और अन्य फलों का भी सेवन आप इसके साथ कर सकते हैं। सुबह खाने से आपको केले का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, दिन में कितना केला खाना चाहिए? यदि आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो आपको रोज दो केले का सेवन करना चाहिए। दो केले खाने से आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, जिससे दिन भर के लिए आपके शरीर को पर्याप्त अच्छी ऊर्जा मिलती है और इसके विटामिन और मिनरल आपके शरीर को पोषण देने में मदद करते हैं। एक जरूरी बात, आप जिम जाते हैं, अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आपको केले का सेवन रोज करना चाहिए। इससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आपको एक्सरसाइज करने में ताकत मिलती है। दोस्तों यदि आपको केले से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।